Vikrant Group of Institutions. Where were our students placed? Two top-notch companies in the country. We stand apart with our unique teaching style through study tours, industry visits, workshops, seminars, and other personality development programs. Vikrant Group of Institutions. Leadership through learning. देखिए, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने एक प्रदेश स्तरीय समिति बनाई है जिसमें जो प्रवासी मजदूर यहाँ से जा रहे हैं उनकी चिंता करनी है, उनके भोजन इत्यादि की चिंता करनी है, उनकी चिकित्सा की चिंता करनी है, उनके चप्पल जूते की चिंता करनी है। मैं यहाँ पर आया था, प्रशासनिक अधिकारीगण से भी बात हुई है, विधायक जी से भी मैंने निवेदन किया है। हम सब मिलकर प्रवासी मजदूरों के लिए काम कर रहे हैं, उनके भोजन इत्यादि की चिंता कर रहे हैं। इस व्यवस्था में किसी भी प्रकार से कोई कमी ना आए, इसलिए मैंने प्रशासनिक अधिकारियों को कुछ निर्देश भी दिए हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए जो हमारे मंडल अध्यक्ष जी हैं, हमारे और अन्य पदाधिकारीगण हैं, उनसे भी मैंने निवेदन किया है कि प्रवासी मजदूरों को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आनी चाहिए, उनके भोजन इत्यादि की व्यवस्था होनी चाहिए, चप्पल जूते की व्यवस्था होना चाहिए और उनके चिकित्सा सुविधा पर भी ध्यान। देखिए, अभी जिस प्रकार से निर्णय लिया गया है तो सारी तथ्य परिस्थिति को देख कर निर्णय लिया गया है। लॉकडाउन जब तक जरूरी होगा तब तक चलेगा, अभी 31 तारीख तक के लिए लॉकडाउन किया गया है। लेकिन मार्केट की यदि आप स्थिति जाकर देखें तो आवश्यकता की किसी भी वस्तु का कोई अभाव नहीं है, हर आवश्यकता की वस्तु की दुकान खुली हुई है। कुछ चुनिंदा दुकानें ऐसी हैं जो कोरोना वायरस महामारी को बढ़ा सकती है, इसलिए उन दुकानों को केवल बंद किया गया है। लगभग आवश्यक वस्तुओं की सारी दुकानें यहाँ पर आपको खुली मिलेगी। देखिए, रीवा के संबंध में अभी मेरे को कोई जानकारी नहीं है, वहाँ पर क्या परिस्थितियाँ थी, किन परिस्थितियों में लाठीचार्ज हुआ है या नहीं हुआ है, इसकी भी मुझे जानकारी नहीं है। मैं पहले इस मामले में जानकारी, यदि इस मामले में कोई दोषी हुआ तो उस पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। थैंक यू।